मैं परफेक्ट का वर्ड यूज करता हूं तो मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब सिंपली ये है कि एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं क्लास डायग्राम। जब हम क्लास डायग्राम बना लेते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का, तो ऊट की प्रैक्टिसेस हमें ये सिखाती है कि उसकी कोड इम्प्लीमेंटेशन जो हो वो उस क्लास डायग्राम के एतबार से हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये हमने करनी है। मैक्सिमम कॉम्प्लीमेंट्स जो मुझे मिले हैं बच्चों की तरफ से, जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से, वो ऊट वाले कोर्स पे रहते हुए मिले हैं कि उनकी जो जॉब्स हुई हैं वो ऊट में लर्न्ड कॉन्सेप्ट्स या कोडिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू हुई है, यानी उसने उनको बड़ा हेल्प किया है। तो ये एक बड़ा ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस कोर्स का। ठीक है, आपको किस चीज में स्ट्रांग होना चाहिए? आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उसमें अगर प्रॉब्लम होगा तो आप इस कोर्स के अंदर जो है वो प्रॉब्लम फेस करेंगे। ठीक है, एक मिनट होल्ड करेगा। हाँ जी, तो मैं यही चीज आप लोगों को बता रहा था कि बहुत ज्यादा जो है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड या प्रैक्टिकली ट्रेसेबल क्लास है, जिसमें हम ऐसे प्रैक्टिसेस करते हैं जो हमें इंडस्ट्री में आगे जाके काम आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। बाकी आप लोगों के LMS के ऊपर मैंने आउटलाइन डाल दी है, किताब डाल दी है कोर्स की, और मैंने उसके साथ जो है वो स्लाइड्स भी डाल दी है जो उस किताब के ऊपर बनी हुई है सारी की सारी। ठीक है, जूम का लिंक भी मैंने डाला हुआ है लेकिन वो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है, तो मैं चेक कर लूंगा फिर अगली बार, अगले हफ्ते से आप लोग इंशाल्लाह जूम के लिंक से ही कनेक्ट किया करें। ठीक है, और मैं कुछ चीजें आपको इंट्रोडक्शन की बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखिए जी, ये जो बॉक्स मैंने बनाया है इसको बेसिकली हम कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ये प्रोसेस बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है, और अगर इस प्रोसेस को मैं देखता हूं यहां पर हमारे पास इस प्रोसेस के अंदर अम्ब्रेला एक्टिविटीज चल रही है। और ऊपर वाले एरिया में हमारे पास फ्रेमवर्क एक्टिविटीज चल रही है। फ्रेमवर्क एक्टिविटी में दो तरह की एक्टिविटीज आती हैं, एक कहलाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज और
और दूसरी कहलाती हैं एनालिसिस एंड डिजाइनिंग एक्टिविटीज। ठीक है बेटा, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज फॉर द अम्ब्रेला एक्टिविटीज और नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज फॉर द अम्ब्रेला एक्टिविटीज। फ्रेमवर्क एक्टिविटीज कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेस्ड एक्टिविटीज और एनालिसिस एंड डिजाइनिंग एक्टिविटीज। मजीद अगर मैं देखूं तो यहां पर मेरे पास एक इनपुट आ रहा है और यहां पर मेरे पास एक आउटपुट आ रहा है। इनपुट में मेरे पास इस जगह पे है यूजर रिक्वायरमेंट्स और आउटपुट में मेरे पास एक इधर है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो इस पूरी चीज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक बॉक्स है जिसमें यूजर रिक्वायरमेंट्स इनपुट होती है और यूजर रिक्वायरमेंट्स की इनपुट जब सॉफ्टवेयर प्रोसेस में जाता है तो उसके आउटपुट के अंदर हमें एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मिलता है। यहां तक बात सबको समझ में आती है? इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल है यहां तक तो पूछे आप। एनी क्वेश्चंस? चलिए वंडरफुल। ठीक है जी, हाँ जी, अच्छा सर, बट अम्ब्रेला एक्टिव यार सवाल जिसको भी करना हो ना एवरीवन भी किया करो ताकि मैं सब लोगों को पता चले ना क्या सवाल हो रहा है। सर बट अम्ब्रेला एकेडमी में आते हैं या रिक्वायरमेंट्स में? अम्ब्रेला एक्टिविटीज होती है, वो रिक्वायरमेंट में तो नहीं आती। पूरे सॉफ्टवेयर प्रोसेस में दो तरह की एक्टिविटीज हो सकती है, या फ्रेमवर्क एक्टिविटी या अम्ब्रेला एक्टिविटी। ठीक है, और अम्ब्रेला एक्टिविटीज जो है वो फ्रेमवर्क एक्टिविटी से मुख्तलिफ होती हैं, ये हमने कॉन्सेप्ट अब तक देखा है। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर प्रोसेस को हम एक और नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इस सॉफ्टवेयर प्रोसेस को हम एसडीएलसी भी कह सकते हैं। एसडीएलसी आप सबको पता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है और बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स इस लाइफ साइकिल के लिए प्रपोज हुए हुए हैं। वो मॉडल्स कौन कौन से उसको हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन इस एसडीएलसी के कुछ फेजेस हैं। वो फेजेस कौन कौन से हैं? रिक्वायरमेंट्स, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर है? ये हमारे एसडीएलसी की फेजेस हैं। तो बेसिकली प्रोसेस इज योर एसडीएलसी और आपकी एसडीएलसी जो है उसको अगर बॉक्स व्यू में देखूं, एसडीएलसी का फुल फॉर्म है बेटा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कुछ लोग कुछ किताबों में सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी लिखा हुआ है, लेकिन बेहतर वर्ड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है भाई,
इसमें अलग अलग फेजेस होते हैं यार, हर फेजेस में उस चीज पे काम हुआ जा रहा होता है। जैसे रिक्वायरमेंट्स में सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट समझी जा रही होती है, उनको अंडरस्टैंड किया जा रहा होता है, उनको लिखा जा रहा होता है किसी जगह पे, उनको कस्टमर से डिस्कस किया जा रहा होता है। एनालिसिस में एनालिसिस रिलेटेड एक्टिविटीज, ये उन रिक्वायरमेंट्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना है तो अब क्या काम करना है, इसका तस्करा हो रहा होता है। डिजाइन में उसका एक ब्लूप्रिंट जो है वो बनाया जा रहा होता है, सही है ना, कि हमारे सॉफ्टवेयर डायग्राम्स बन रहे होते हैं, ईआरडी बन रहा होता है, क्लास डायग्राम बन रहा होता है, फॉर्म डिजाइन्स बन रहे होते हैं, कोडिंग में हम कोड लिख रहे होते होंगे, टेस्टिंग के अंदर हम उस कोड को टेस्ट कर रहे होते होंगे, और इम्प्लीमेंटेशन में हम उस सॉफ्टवेयर को फाइनली जाके यूजर एंड के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे होते होंगे। तो ये लबोलबाब है इन सारे फेजेस का, अगर मैं शॉर्ट लेवल के ऊपर इनको डिस्कस करना चाहूं तो। यहां तक कोई सवाल? अभी थोड़ा अर्ली हो जाएगा, एनालिसिस और डिजाइन में फर्क मैंने जानबूझ के ऐसे बताया है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे, सही है ना उस्मान। एनालिसिस के अंदर आप ये समझे कि हम ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आ जाते हैं, यानी जो ख्वाब की दुनिया होती है या फैंटेसी वर्ल्ड जो होती है उससे बाहर आ जाते हैं, और हम ये फोकस करने लगते हैं कि अब ये सॉफ्टवेयर बनेगा कैसे। रिक्वायरमेंट्स के अंदर तो हम हर चीज लिख रहे होते हैं ना, रिक्वायरमेंट्स में हम कभी भी फोकस हाउ पे नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ फोकस व्हाट पे कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम एनालिसिस में आते हैं तो हमारा फोकस हाउ पे भी आना शुरू हो जाता है। तो फिलहाल इतना याद रखो, फिर एनालिसिस में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होती है मैं आगे जाके आप लोगों को बता दूं। अच्छा एक सवाल है, रिक्वायरमेंट्स में हम कभी भी हाउ पे फोकस क्यों नहीं करते? रिक्वायरमेंट्स में हम कभी भी हाउ पे फोकस क्यों नहीं करते, इसका कोई आइडिया देगा मुझे? जिसको जो जवाब आ रहा है वो चैट पे टाइप कर दे या बोल दे। जी उसमें व्हाट पे फोकस करते हैं, हाउ पे नहीं करते, क्यों मैं पूछ रहा हूँ? क्योंकि हमको नहीं पता होता प्रोजेक्ट में क्या क्या नई चीजें करने के मतलब चेंजेस हो रहे हैं। देखो इसका रीजन ये है कि अगर आप रिक्वायरमेंट्स पे हाउ पे फोकस करने लग गए ना, तो आप रिक्वायरमेंट सही से गैदर ही नहीं कर सकते। रिक्वायरमेंट्स इज ऑल अबाउट सोच, क्या चीज बनानी है वो लिखो, कैसे बनानी है इसकी टेंशन नहीं लो। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर हम रिक्वायरमेंट्स के अंदर हाउ पे फोकस करने लग गए तो हम कभी भी रिक्वायरमेंट सही से नहीं ले सकेंगे और हम रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में बायस हो जाएंगे। ठीक है, तो बने या ना बने ये हमें नहीं पता, लेकिन हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें क्या करना है। बात आ रही है समझ में? जी और कोई कंफ्यूजन या सवाल है तो पूछें। Anything else that is bothering you, yeah, you are not able to understand, you can ask me.
रिक्वायरमेंट्स मींस करने क्या है और एनालिसिस मींस करना कैसे है। रिक्वायरमेंट्स का मतलब है हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स लिखनी है किसी जगह पे कि हम क्या बनाना चाहते हैं। एनालिसिस से अब हम सोचना शुरू करेंगे कि वो चीज कैसे बनाई जाएगी। इस तरह से याद रख लो अशर भाई, ये बेहतर है। जी और कोई सवाल? All good. चलो वेरी गुड। चलिए जी अब आते हैं फ्रेमवर्क एक्टिविटीज में और अम्ब्रेला एक्टिविटीज में। ऐसी एक्टिविटी जो किसी एक पर्टिकुलर फेज ऑफ एसडीएलसी के लिए मखसूस हो, उस एक्टिविटी को हम फ्रेमवर्क एक्टिविटी कहते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसी एक्टिविटी जो किसी एक फेज ऑफ एसडीएलसी एक्टिविटी के लिए मखसूस हो उसको हम फ्रेमवर्क एक्टिविटी कहते हैं। एंड एक एक्टिविटी विच कैन बी परफॉर्म्ड इन अ सिंगल फेज ऑफ एसडीएलसी इज नोन एज अ फ्रेमवर्क एक्टिविटी। क्लियर है? और ऐसी एक्टिविटी जो किसी पर्टिकुलर फेज में ना हो लेकिन किसी भी फेज में आकर कर सके, उस एक्टिविटी को हम अम्ब्रेला एक्टिविटी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अम्ब्रेला एक्टिविटी कहते हैं। समझ में आ रही है ये बात सबको? नहीं आ रही है? वेरी गुड, अच्छी बात है। ओके, एसटीएलसी के कितने फेजेस हैं? 6। रिक्वायरमेंट एनालिसिस डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन। ऐसी एक्टिविटी जो सिर्फ रिक्वायरमेंट्स में होगी वो रिक्वायरमेंट्स फेज की फ्रेमवर्क एक्टिविटी कहलाएगी। ऐसी एक्टिविटी जो सिर्फ एनालिसिस फेज में होगी वो एनालिसिस फेज की फ्रेमवर्क एक्टिविटी कहलाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन किसी में भी हो सके और किसी भी वक्त हो सके, उस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे? उसको हम अम्ब्रेला एक्टिविटी कहेंगे। अब आती है बात समझ में? अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? एन एक्टिविटी विच इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर फेज ऑफ द एसडीएलसी is known as a framework activity. An activity which is independent of the framework and can occur in any of the SDLC phase is known as an umbrella activity. अब इसको सॉफ्टवेयर में समझने से पहले हम रियल लाइफ में समझते हैं। दिन में हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं? 5 नमाजें पढ़ते हैं। क्या फजर की नमाज मैं बगैर कजा किए हुए जोहर में पढ़ सकता हूं? क्या ईशा की नमाज मैं अगले फजर में पढ़ सकता हूं? नहीं पढ़ सकता। तो नमाज पढ़ना एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी है। लेकिन अगर मैंने दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़नी है या कलमे की तस्बीह पढ़नी है तो क्या उसके लिए कोई टाइम है? मैं पूरे दिन में जब चाहूं मैं तस्बीह पढ़ सकता हूं? तो तस्बीह पढ़ना क्या हुआ? अम्ब्रेला एक्टिविटी।
या नफल नमाज पढ़ना भी अम्ब्रेला एक्टिविटी है। खाना हम दिन में 3 बार खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। तो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर क्या है? फ्रेमवर्क एक्टिविटी है, लेकिन हम बीच में जितनी बार चाहें सुट्टे मारें, छालियां खाएं, पानी पिए, ये अम्ब्रेला एक्टिविटी है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब इसकी मिसाल देखते हैं। हाँ, टोटली इंडिपेंडेंट है, सॉफ्टवेयर साइड पे। सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स हम गैदर करते हैं रिक्वायरमेंट्स फेज में। तो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्योंकि रिक्वायरमेंट फेज में गैदर होती है, इसलिए वो रिक्वायरमेंट फेज के लिए क्या है? इसलिए वो रिक्वायरमेंट फेज के लिए फ्रेमवर्क एक्टिविटी है। सॉफ्टवेयर का ईआरडी हम हमेशा डिजाइन फेज में बनाते हैं, तो ईआरडी का बनना फ्रेमवर्क एक्टिविटी है डिजाइन फेज के लिए। सॉफ्टवेयर में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं रियलाइजेशन। क्या होती है आगे पढ़ाऊंगा। रियलाइजेशन हम हमेशा एनालिसिस फेज में करते हैं, तो रियलाइजेशन एनालिसिस फेज के लिए एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी है। लेकिन हम सॉफ्टवेयर का रिव्यू किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का रिव्यू हम किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस डिजाइन। तो अगर मैं रिव्यू परफॉर्म कर रहा हूं तो रिव्यू क्या है? रिव्यू एक अम्ब्रेला एक्टिविटी है क्योंकि वो किसी भी फेज में आकर हो सकता है। ये सारी बातें क्लियर हुई सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो सवाल करो। चले, वंडरफुल। और कोई कंफ्यूजन? किसी और बच्चे को कोई सवाल या कंफ्यूजन है तो पूछे। अच्छा, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे मुझसे लिंक अलग अलग क्यों मांग रहे हैं। यानी आप सारे बच्चों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं करा? मैंने तो ग्रुप ज्वाइन करने का मैसेज तो मैंने आपको क्लास शुरू होने से पहले ही दे दिया था, पहले हफ्ते से भी पहले दे दिया था। तो क्यों कुछ जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, आपके जो दोस्त वगैरह हैं जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, उनको बोले कि फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि मैं सारी कम्युनिकेशन कर सकूँ। मैं अपने रिकॉर्डिंग जो होंगी क्लास की वो भी उस फेसबुक के लिंक पे ही लोड करूंगा और LMS पे भी अवेलेबल होगा। अच्छा, मैसेज नहीं आया था, चलो सही है। अच्छा, अब हमारा सिलसिला क्या है? ग्रुप का लिंक दे दें, दे देते हैं। ये लो भाई, चले जी। अब बात करते हैं एनालिसिस एंड डिजाइनिंग एक्टिविटीज की। एनालिसिस एंड डिजाइनिंग एक्टिविटीज
पहली जो अप्रोच थी इसमें वो कहलाती थी सैड अप्रोच, जिसको हम कहते थे सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। दूसरी जो अप्रोच है वो कहलाती है वुड, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन। एनालिसिस एंड डिजाइनिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए इंडस्ट्री में शुरू में सैड अप्रोच यूज होती थी, लेकिन 2000 ऑनवर्ड्स वुड अप्रोच जो है वो यूज होना शुरू हुई, और इतना यूज होना शुरू हुई कि अब सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन या स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन भी हम इसको कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो वुड की जो प्रैक्टिसेस हैं, वुड की जो प्रैक्टिसेस हैं वो यूएमएल पे बेस करती है। तो हम बेसिकली इस कोर्स में यूएमएल सीखेंगे, बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज जो है वो आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में पढ़ेंगे। अम्ब्रेला एक्टिविटीज जो है आप लोग एसक्यूए का एक कोर्स पढ़ते हैं, बाद में जाके आप लोग उसमें पढ़े। हमारा फोकस एनालिसिस एंड डिजाइनिंग एक्टिविटीज में भी जो रहेगा बेसिकली वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइनिंग में रहेगा इस कोर्स के अंदर। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछे, कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन यहां तक है तो पूछे। हाँ जी, तो ये एक छोटा सा मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया कि हमारे कोर्स में हम करने क्या जा रहे हैं। यूएमएल डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना, हाँ बिल्कुल सही है, डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना, और उस डायग्राम के थ्रू फिर कोड जेनरेट करना। कैसे होता है ये हम देखेंगे आज की क्लास में, और अगली क्लास में हमने कुछ बेसिक लाइफ साइकिल्स देखनी है, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स देखते हैं, यानी डिफरेंट तरह की एसडीएलसी देखनी है। वंस हम वो देख लेंगे तो थर्ड वीक से, आज वैसे तो सेकंड वीक है लेकिन मेरे लिए पहला वीक है, तो मैं बीच में किधर मेकअप रख दूंगा आप लोगों का, जब भी मुझे मौका लगेगा आप लोगों को इन्फॉर्म करके ऑब्वियसली। और थर्ड वीक से हम जो हमारी ऑफिशियल किताब है जो मैंने अपलोड करी है वो हम यूज करेंगे। उससे पहले मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो सारे देता रहा, ठीक है जी? और कोई कंफ्यूजन? अच्छा, आप एक चीज याद रखें कि जो हम सोचते हैं वो कभी भी नहीं बनता। सॉफ्टवेयर के हवाले से जो हम सोचते हैं वो कभी भी नहीं बनता, लेकिन जो बनता है वो एक्सेप्टेबल होता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो हमने सोचा होता है वो कभी भी नहीं बनता। इसकी मिसाल बिल्कुल शादी की तरह है। जैसे आदमी ने सोचा होता है कि ऐश्वर्या राय जैसी खूबसूरत लड़की मिलेगी, सही है, घर के काम वाम करेगी सारे, खाना बहुत जबरदस्त बनाएगी, खाना बनाएगी तो मुझे रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर आऊंगा घर चमक रहा होगा। औरत सोचती है कि टॉम क्रूज जैसा आदमी मिलेगा, 10 लाख 15 लाख रुपए महीने के कमा रहा होगा, मैं ऐश कर रही होंगी, मेरी जिंदगी में टेंशन ही नहीं होगी। तो सॉफ्टवेयर की मिसाल भी बिल्कुल शादी की तरह है, सही है ना? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर अल्टीमेटली जब हो जाती है शादी तो इंसान फिर कॉम्प्रोमाइज कर जाता है और जिंदगी उसमें गुजार देता है, अब चाहे वो जैसी भी हो। तो यही सॉफ्टवेयर के साथ होता है, जो हमने सोचा हुआ होता है वो कभी नहीं बनता, लेकिन जो बनता है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, लेस देन अ मिनट रह गया, मैं फौरन रिकनेक्ट करूंगा इसी लिंक पे ना, तो आप लोग भी दोबारा रिकनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है?